दर्शक भी नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने घर में लक्ष्मी प्राप्ति को सहज और सरल बनाने के लिए, घर में आया हुआ धन को सुसमृद्ध कराने के लिए सबसे मेन किस चीज़ का रोल होता है और क्या चीज़ सहज और समृद्ध तरीके से रखने से हमारे घर के अंदर धन आगमन का मार्ग प्रशस्त हो और घर में आया हुआ धन नकारात्मक तत्व में खर्च ना हो। सर्वप्रथम हमारे घर में प्रतिदिन माताएं बहनें घर में झाड़ू और पोछा जरूर लगाती हैं। उसके पीछे एक वैदिक और धार्मिक ग्रंथ में उल्लेख कुछ जानकारी मैं आपको प्रस्तुत करने वाला हूं। झाड़ू में विशेषकर मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए झाड़ू और पोछा लगाते समय किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों को विशेष सावधानियां बरतना चाहिए जिससे लक्ष्मी आपके घर में सदैव विद्यमान रहे, क्योंकि लक्ष्मी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। झाड़ू लगाने से घर के अंदर उत्पन्न दरिद्रता अथवा अलक्ष्मी का जो वास है वो घर से बाहर करने के लिए प्रतिदिन माता बहने घर में झाड़ू लगा के साफ सुथरा करती है और पोछा लगाती है। झाड़ू कभी भी आप पैर नहीं लगाना चाहिए। अगर झाड़ू लगाने के बाद आप कहीं ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पैर लगता हो अथवा कोई बाहर से आने जाने वाले हर मनुष्य को झाड़ू दिखाई देता हो, झाड़ू अशुद्ध जगह रखते हो, टूटे फूटे जो झाड़ू है उसे घर में एकत्रित करते हो, तो घर के अंदर वैचारिक मतभेद अथवा घर के अंदर नाना प्रकार के झगड़ा अथवा दरिद्रता का आगमन होता है। जिनके घर के अंदर झाड़ू शुद्ध तरीके से रखा जाता हो, सही जगह रखा जाता हो, आने जाने वाले आदमी जो है उनकी नज़र से दूर रखा जाता हो, तो उनके घर के अंदर सदैव समृद्धता का वास होता है। इसलिए घर के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार के समस्या का आगमन नहीं होता। जिनके घर के अंदर झाड़ू पोछा बालकनी के बाहर सुखाया जाता हो, सब आदमी उस चीज को देखते हो, तो उनके घर के आदमी लक्ष्मी जो भी देखेगा उसके साथ चल पड़ेगी। इसलिए झाड़ू और पोछा घर में नकारात्मक तत्व को दूर करने के लिए प्रधान और मेन माना जाता है। इसलिए झाड़ू और पोछा कहीं सुखाते समय आप एकांत जगह में सुखाएं जहाँ किसी का नजर न जाता हो, ऐसी जगह सुखाएं और ऐसी ही जगह आपको उसको रखना है। कभी भी झाड़ू को खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। जिनके घर के अंदर झाड़ू खड़ा करके रखा जाता है उनके घर में लक्ष्मी आकर रुकेगी नहीं, उनके घर में मेहमानों का आना जाना सदैव लगा रहेगा। और जिनके घर में झाड़ू रखा जाता है उनके घर में बेफजूल का खर्च दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। जितने कमाएगा उससे ज़्यादा बेफजूल के खर्च में वो एक कर्ज के भागीदार बनेगा। इसलिए झाड़ू को विशेषकर सावधानियों के साथ आप घर में रखें, वही लक्ष्मी का आगमन का मार्ग होगा। और वही अगर आप उसको दुरुपयोग करेंगे, उसको सही तरीके से आपका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वही अलक्ष्मी का आगमन के साथ में दरिद्रता का वास घर के अंदर होगा। इसलिए ध्यान रहे, झाड़ू और पोछा शुद्ध और साफ रखना चाहिए। टूटे हुए अगर झाड़ू आपके घर के अंदर है उसे कदापि शाम के समय घर से बाहर नहीं करना चाहिए। दिन में 10 से लेकर 4 बजे के बीच में ही आप झाड़ू घर से बाहर कहीं ले जाके आप उसको डाल सकते हैं। विशेषकर ध्यान रखें शुक्रवार के दिन और सोमवार बुधवार के दिन आप झाड़ू खरीद सकते हैं, और ऐसा ही रविवार के दिन आप झाड़ू ले जाके कहीं अन्य स्थान पर ले जाके आप रख सकते हैं। झाड़ू को कभी भी किसी को दान अथवा गिफ्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी को आपको झाड़ू प्रदान करना हो अथवा झाड़ू देना हो तो आप उन्हें पैसा दें,
वो आप स्वयं खरीद करके उस चीज को लेगा। इसलिए कभी झाड़ू और पोछा ये चीज किसी को गिफ्ट देना अथवा किसी को उपहार स्वरूप में देना उपयुक्त नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से घर के अंदर की समृद्धता उसके साथ चली जाएगी। इसलिए ध्यान रहे, झाड़ू और पोछा जितना आपके घर के अंदर साफ सफाई में सहयोग करता है उतना ही आपके घर के अंदर को दरिद्रता को दूर करने में भी करता है। परंतु एक चीज का ध्यान जरूर रखेंगे, कोई आने जाने वाले आदमी को दिखाई ना दे, झाड़ू कभी भी गिल्ला एक जगह नहीं रखेंगे, पोछा और झाड़ू आप एक जगह मिला के नहीं रख सकते, उसको थोड़ी अलग अलग रखें, दोनों का एक जगह मिलाप नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर आप रखेंगे तो झाड़ू से आपके घर के अंदर सदैव समृद्धता का वास कराएगा। इसलिए ध्यान रहे, माँ स्वरूप माँ लक्ष्मी के स्वरूप विद्यमान झाड़ू को पैर लगाना, थूकना, झूठे चीज पर झाड़ू फेरना, इससे से आप बच कर रहिए, घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि का कारण बनेगा। और आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। क्या समस्या है आपके जीवन में, आप हमारे से व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, और हमारे फेसबुक कमेंट्स के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, कोई भी समस्या आप वहाँ रख सकते हैं। अथवा हमारा फ़ोन नंबर है 8899007 और 50, इस नंबर पे अगर आप संपर्क करके शाम को 7 से लेकर 9 बजे के बीच में अगर आप संपर्क करेंगे तो आपसे बात हो पाएगी। घर में जो भी समस्या है उसके निवारण के लिए आप निसंकोच होकर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। रत्न, यंत्र, पूजा संबंधी कोई भी सामग्री अथवा भारत में हर स्थान पर पूजा कराने के लिए हमारे पास ब्राह्मणों का अवेलेबलता है, इसलिए आप निर्धक्क होकर आप हमारे से जुड़ सकते हैं। जो भी समस्या है, जो भी निवारण होगा, वो आपको सहज तरीके से हम आपको बताएंगे। और हमारे परामर्श फीस अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही नंबर है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे अथवा अन्य अन्य सेटल पे नेटवर्क से आप हमें पेमेंट कर सकते हैं। हरिओम।